हेलो यूट्यूब, आज मैं आपको बताने वाला हूँ HTML व्यूअर ऐप के बारे में, जिसमें आप जान सकते हैं कि कौन से साइट में कौन सा टैग का यूज़ किया गया है, कौन से पेज में किस प्रकार के टैग का यूज़ किया गया है उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने प्ले स्टोर की ओर। प्ले स्टोर से हमें डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा HTML व्यूअर, ठीक है। HTML व्यूअर मैंने पहले से लिखा था, इसलिए पहले सर्च मारने पर ये आपके सामने आ जाता है। फिर आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते हुए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इंस्टॉल करने से पहले आपको बता दें कि इसका 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और 3.5 की इसकी रेटिंग है और 4K रिव्यूज़ इसके दिए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके और क्या फीचर्स हैं चलिए जानते हैं अंदर में, ठीक है। फिर इसके जो अपडेट, जो लास्ट अपडेट है वो 12 अप्रैल 2019 को है और इसमें क्या क्या है बग फिक्स किए गए हैं, इसमें नया और न्यू ऑप्शन फॉर एड फ्री का ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है और डिज़ाइन का इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया है। तो डेवलपर वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं yogavx@gmail.com उसकी ईमेल है और tower86 शोहम, ठीक है। अब देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे देखना है, ठीक है। आपको कैसे किसी वेबसाइट का उसका टैग को देखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने को जाना है किसी URL के टैग को देखने के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ अब YouTube की। YouTube में मैंने एक कबीर सिंह वाला जो मूवी था इसे मैं देख रहा था इसी को, तो चलिए इसी का हम इसका तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसके लिंक को। अब लिंक कॉपी कर लिए हैं तो अब इस कॉपी किए हुए लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम सर्च बटन पर क्लिक कर देते हैं। सर्च बटन पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं इंटर बटन पर, तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग HTML सोर्स का जो सिलसिला चल रहा है और प्रिपेयरिंग HTML सोर्स कोड बता रहा है अभी, ठीक है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं क्या क्या बताता है उसको देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा बता दिया है HTML सोर्स उसका। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है टैग लिख कर, तो टैग लिख कर हम सर्च करते हैं तो जितने भी टैग होंगे हमें वो सर्च करके बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला बता रहा है वो टैग के नाम से एक ही है, जहाँ पर लिखा है नेम। और फिर और देखें क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, इतने सारे टैग वहाँ पर यूज़ किया गया है। हिंदी मूवी करके किया गया है, न्यू फिल्म करके किया गया है, लास्ट मूवी करके किया गया, लेटेस्ट मूवी करके जी, और फिर न्यू मूवी करके किया गया है, फिर न्यू मूवी 2019 करके भी किया गया है, और बॉलीवुड मूवी करके किया गया है, न्यू हिंदी डब मूवी करके किया गया है, लेटेस्ट हिंदी मूवी करके किया गया है, और साउथ मूवी 2019 करके भी यहाँ पर किया गया है। तो लेटेस्ट साउथ हिंदी मूवी के नाम से भी यहाँ पर टैग यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर टैग हमको देखने को मिल जाते हैं कि कौन कौन सा टैग यहाँ पर यूज़ किया गया है उसको। और इसी प्रकार आप किसी वेबसाइट का जो टैग है उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से जो लिंक होता है उसको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी साइट का लिंक पेस्ट करके आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद किसी साइट, ठीक है, किसी साइट को यहाँ पर सर्च मारेंगे, जैसे कि साउथ में
ठीक है, साउथ में हिंदी को सर्च मार रहे हैं तो यहाँ पर आ गया साउथ में हिंदी। और अब देखते हैं इसने कौन कौन से टैग का यहाँ पर यूज़ किया है उसके बारे में। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं उसके एड्रेस को। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब चलते हैं अपने HTML वाले HTML व्यूअर ऐप में। HTML व्यूअर ऐप में यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के इंटर बटन पर क्लिक कर देते हैं, राइट बटन पर। क्या है इसके टैग अभी पता चल जाएगा, देखते हैं क्या क्या डाले हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं TAG टैग और मार देते हैं सर्च। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो टैग को छुपा दिया गया है। ठीक है, तो टैग को छुपा दिया गया है, तो किसी एक पोस्ट के लिए पढ़ के देखते हैं क्या है। और यहाँ पर एड आ रहा है बड़ा southhindi.com का, घर बैठे पैसा कमाने वाला पोस्ट है ये। और यहाँ से हम कॉपी करके देखते हैं क्या बताता है कि नहीं बताता है। और ये वर्डप्रेस पर होस्टेड साइट है, शायद इसी कारण नहीं बता पा रहा होगा। तो देखते हैं क्या रीज़न है, क्या बता पाता है कि नहीं बता पाता है। और सर्च मार के देख लेते हैं। HTML का तो कोड बता दिया है, लेकिन यहाँ पर टैग को सर्च मारने के ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च कैसे मारना है ये नहीं बताया है। मतलब बहुत ज़्यादा टैग है यहाँ पर। ठीक है, तो YouTube का हमें तुरंत पता चल जा रहा है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा है क्योंकि अलग अलग होस्टेड होता है ना, तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैं अपनी साइट की बात करूँ PCGyanwan.blogspot.com की, तो उसे भी मार के देख लेते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या सही में बताता है कि नहीं बताता है। सर्च मारते हैं PCGyanwan.blogspot.com। इसमें क्या क्या बताता है। इसमें आ रहा है, इसमें आप सर्च मार सकते हैं। तो उसमें सर्च करने के लिए क्या टैग लिख देते हैं, तो कौन कौन सा टैग है इसको सर्च करके बताता है कि नहीं बताता है, इसको देखते हैं। इसमें फाइनली टैग को तो नहीं बता रहा है क्या क्या है, लेकिन ऐसे ही हम टैग को खोल सकते हैं। तो ये यूट्यूब के लिए बेहतर है, यूट्यूब से आप इसमें टैग को सर्च कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।